जब हम किसी दो एटम को नजदीक लाते हैं तो अगर उनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो आइदर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं, तो उस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल NaCl। और जिस जब वो कोई दो डिसिमिलर एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ताकि उनका आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यस करेक्ट। अभी रहा थर्ड बॉन्ड जो है मेटालिक बॉन्ड, हाँ उसके बारे में भी कैन यू टेल? यस यस। तो देख, होता यूँ है कि अगर किसी जगह पे सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो तो उस जगह पर वो जो एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जैसे कि कॉपर, कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो लूज भी नहीं कर सकता या गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सारे कॉपर के एटम्स हैं। तो होता यूँ है कि वो सारे कॉपर के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते चले जाते हैं और जो एंड में जो बॉन्ड तैयार होता है उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब सात कॉपर या सात कॉपर के एटम्स एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और उसकी वजह से जो बॉन्डिंग होगी उसे कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग।
सो दिस बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टर्स, इससे जो मटेरियल बनेगा इसे हम कंडक्टर्स कहेंगे, ओके समझा। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है ना वो एकदम फ्रीली बॉन्ड होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्री टू मूव होते हैं और वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव होते रहते हैं। अच्छा ओके, जब इन्हीं कंडक्टिंग मटेरियल्स को, मतलब इन मटेरियल्स को हम वोल्टेज देते हैं, मतलब प्रेशर देते हैं, तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो अलाइन हो जाता है। ओके, मतलब हम अगर उस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो वो उस डायरेक्शन में मूव होते चले। तो अब हम जब इस मटेरियल को प्रेशर देंगे, मतलब वोल्टेज देंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए ना वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप करेंगे, वहां से आगे। सपोज मैंने यहाँ से किसी एक एटम को मैंने इलेक्ट्रॉन का एक फोर्स दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने हिट किया, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है। यस ओके, तो वहां से इलेक्ट्रॉन वो जो निकलेगा वो आगे चला जाएगा, इसका मतलब क्रोर्स ऑफ एटम्स उसके अंदर। यस, क्रोर्स ऑफ एटम्स वहां पे होते हैं और क्रोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम जब एक सपोज एक इलेक्ट्रॉन हम हिट करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिपल करेगा वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, वो उसको रिपल करेगा। तो यहाँ से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन पुश करूंगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन हिट किया वो है वोल्टेज। अच्छा। और उसकी वजह से अंदर जो मोशन हुआ वो है करंट। ओके ओके, और यहाँ पे जो एटम्स है, जितने डेंस रहेगा एटम्स उतना ज्यादा इस करंट के फ्लो को अपोजिशन मिलेगा। यस, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो ये तीन बेसिक फंडामेंटल है किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के। अच्छा, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इसे ही हम ओहम्स लॉ से डिफाइन किया जाता है। ओहम एक साइंटिस्ट था, इसने एक लॉ बनाया था, उसने कहा कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। ओके, एंड द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रेजिस्टेंस, मतलब अगर मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, करेक्ट ना, वोल्टेज प्रेशर बढ़ाया मतलब करंट बढ़ेगा, लेकिन अगर मैंने मटेरियल को डेंस कर दिया तो मेरा करंट कम हो जाएगा। समझा? तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया, अभी हम कुछ डेमोंस्ट्रेशंस करते हैं। Are you excited? Yes. चलो। और जो रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज हमने डिस्कस किया था ना, हम इसको कुछ प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके देखेंगे। ओके, सपोज ये जो ट्यूब दिख रही है, दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल, कूल। ओके, और ये जो इसमें बॉल्स दिख रहे हैं ना, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। okay. ये अभी रैंडम मोशन में है, अभी यहाँ तो हमको स्टैंड स्टिल दिख रहा है, लेकिन ये रैंडम मोशन में है। ओके ओके ओके, तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रेशर देंगे, मतलब वोल्टेज देंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, तो उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। ओके, और यहाँ से जब हम लोग इसको प्रेशर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, मतलब करंट फ्लो होगा। मतलब करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यस यस। ओके, तो अभी ये सेटअप को हम क्या करेंगे, हम ये बॉल के थ्रू इसको वोल्टेज देंगे, मतलब दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके थ्रू हम इसको वोल्टेज देंगे और इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग में इसमें करंट फ्लो होगा, और इस ट्यूब का डायमीटर जितना बड़ा उतना करंट का फ्लो बड़ा। ओके, जितना डायमीटर कम उतना करंट का फ्लो कम, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। Yes, so I is equal to V by R. Okay. Okay. So यहाँ पे क्या होगा? Current and voltage is directly proportional and current and resistance is inversely proportional. तो यही है Ohm's law. चलो हम इसको भी practically करते हैं।
देखा अनुज भाई ने यहाँ से इसको इसको हिट किया इस बॉल को, तो यहाँ से जो है दूसरे बॉल बाहर निकली, सो दैट इज वोल्टेज, दिस इज करंट। मोर द डायमीटर ऑफ ट्यूब मोर इज द करंट, मतलब जितना कम डायमीटर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। पर ये रेजिस्टेंस का ना थोड़ा और अच्छे से समझा तो और मजा आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमारा दूसरा मॉडल है। अरे वाह, हाँ चलो दूसरा मॉडल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, लास्ट मॉडल में हमने करंट फ्लो देखा था, लेकिन हाँ वहां पे हमने रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर पाए थे। हाँ यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस वेरी करके देखेंगे। ओके, ओके, सपोज सपोज ये एक टैंक है अच्छा जो फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है, ओके, और ये एक कंटेनर है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, यस और ये एक पाइप सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, यस ओके, और ये कंट्रोल वॉल है जिससे हम इस पाइप का डायमीटर कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब फोर्स कम ज्यादा कर सकते हैं। यस, मतलब रेजिस्टेंस कम ज्यादा एक्चुअली कर सकते हैं। वोल्टेज तो हमारा इस केस में कांस्टेंट है कि हमने हेड डिफाइन कर दिया है कि पानी जो है फर्स्ट फ्लोर पे होगा, तो फ्लोर तो ऐड नहीं करना जाएगा। ओके, तो फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमने एक कंट्रोल वॉल रखा है, मतलब एक रेजिस्टेंस रखा है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा है। जैसे हम लोग ये रेजिस्टेंस वेरी करेंगे वैसे करंट फ्लो वेरी होगा। करंट फ्लो मतलब ही बट फ्लो ऑफ वाटर। ओके, फ्लो ऑफ करंट मतलब वाटर, ओके, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ओके, सो अभी देख, अभी ये जो है ये स्विच ऑफ पोजीशन में, सपोज ये ऑफ में मतलब रेजिस्टेंस फुल है, फुल है, इंफिनिटी है। हाँ ओके, अभी मैं रेजिस्टेंस जैसे कम करते जाऊंगा देखना। ओके, करंट फ्लो चालू हो गया, यहाँ पे भी आ रहा है, यस यहाँ आ रहा है। अभी मैं इस रेजिस्टेंस को और कम कर देता हूँ, और अभी देखना बढ़ रहा है, ओके, हाँ बढ़ रहा है। यू कैन सी, यस सी नाउ, अभी ये हेड के हिसाब से दिस फ्लो इज मैक्सिमम एंड यस रेजिस्टेंस इज कंट्रोल वॉल के हिसाब से इज मिनिमम, यस सो करंट इज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम, गिवन वोल्टेज। ओके, सो ये जो है ये मॉडल हमारा पूरा वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक फंडामेंटल समझ गए? यस, सब मुझे पूरी तरह से समझ गया। ओहम्स लॉ, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, सब सब क्लियर हो कंडक्टर्स, चुका है। यस इंसुलेटर्स, चार्ज, सब सब क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मुझे कोई कुछ भी पूछ ले बेसिक तो तेरा भी क्लियर है। हाँ, बेसिक ओके, तो पूरा सो क्लियर है। दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अनमोल, अब तुम्हें तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्यूबलेट ट्यूब लो हुआ, यस ओके, तो हमने जो स्विच से उसको अप्लाई किया वो वोल्टेज था जो हमारा सप्लाई से आता है, ओके, एमएससीबी से आता है, हाँ ओके, वो वोल्टेज हमने ट्यूबलाइट को दिया हाँ और उसके वजह से उसमें करंट फ्लो हुआ ओके, और उस करंट का कन्वर्जन लाइट में हुआ, ओके, तो उसकी वजह से वो ग्लो हुआ। तो ये यस भी समझ में आ गया तेरे को? यस, पूरी तरह से समझ ये में जादू आया। समझ में आ गया, साइंटिफिक जादू। हाँ यस यस। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारा आज का साइंटिफिक जादू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज थम्स अप दीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे आप हमको आपके प्यार की बहुत जरूरत है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब अस एंड कमेंट इफ एनी। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।